दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे, जहाँ पे आज हम लोग बात करने वाले हैं बोया की तरफ से आने वाला ये बोया का माइक। तो बिना टाइम वेस्ट करें पहले आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में, देखते रहिए। तो दोस्तों, यहाँ पे फटाफट से इस बॉक्स को जो है वो ओपन कर लेते हैं, यहाँ पे जितनी भी सील्स है उसको फटाफट से ब्रेक करते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे आपको जो बॉक्स कंटेंट है वो क्या क्या जो है वो इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, क्या क्या यहाँ पे आपको देखने को मिलती है चीज़ें इसके अंदर। जब बॉक्स को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे पाउच में रखा हुआ मिल जाता है आपका मेन माइक्रोफोन, और यहाँ पे आपको यूजर मैनुअल और साथ ही साथ यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाता है आपका वारंटी कार्ड। तो जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ कि ये आपको एक वारंटी कार्ड जो है वो साथ में देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पे आपको वारंटी के कार्ड के साथ में आपको यहाँ पे यूज़र मैनुअल मिलता है। इस केस की तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लेदरी टाइप टेक्सचर है, बाकी यहाँ पे जैसे ही आप इसको बाहर निकालेंगे तो आप देख सकते हैं बहुत लंबी वायर है, और जो कि बहुत ही अच्छी बात है, बहुत बड़ा है तो आप ज़्यादा दूर तक के इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके का आपको पहला जो लुक एंड फील है वो देखने को मिलता है। सिंपली आपको कुछ पैकेट वगैरह जो है वो इसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो जैसे ही हम लोग इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको जो है इसके अंदर रखी हुई मिल जाएगी। जैसे ही मैंने जो पन्नी है उसको नोचा तो यहाँ पे खोलने के बाद फौरन यहाँ पे आपको जो है वो देखने को मिल जाता है इसका क्लिप, जो कि आप मतलब हर जगह जहाँ पे भी आप होल्ड करना चाहते हैं अपने माइक्रोफोन को, अपने माइक को, वहाँ पे आप लगा सकते हैं। बाकी यहाँ पे आपको जो है वो बैटरी सेल देखने को मिल जाती है, और लास्ट में यहाँ पे आपको एक और जो है 1.4 अडैप्टर जो है वो देखने को मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक और चीज़ देखने को मिलती है जो कि है इसका फोम, जो कि जो नॉइज़ वगैरह को जो है वो आने से माइक में कम करता है। तो कुछ ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है, बाकी यहाँ पे कुछ आपको और चीज़ें देखने को मिल जाती हैं बॉक्स में। बाकी यहाँ पे हम लोग इसको निकालते हैं और फटाफट से अपने जो माइक्रोफोन है उससे अटैच करते हैं। और दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बोया माइक्रोफोन की तो ये सबसे सस्ता और सबसे बेहतरीन काम करने वाला माइक्रोफोन है। बाकी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके की क्लिप जो है वो आपको देखने को मिल जाती है इसी बोया के माइक्रोफोन में। और यहाँ पे जो बैटरी है इसको फटाफट से बाहर निकालते हैं, और बाहर निकालने के बाद फटाफट से इसके अंदर जो है वो लगा देते हैं कि कैसे ये काम करेगा। जब तक आप इस बैटरी को लगाने वाले नहीं हैं तो तब तक ये जो बैटरी है वो काम नहीं करने वाला है, जो आपका फ़ोन माइक्रोफोन है वो चलने वाला नहीं है, ऑडियो जो है वो रिकॉर्ड नहीं करेगा। तो फटाफट से मैं पहले इसको अपने माइक्रोफोन में जो है वो लगा लेते हैं। तो ये जो फोम है ये सिंपली इसके जो माइक्रोफोन है उसके ऊपर लग जाने वाला है कुछ इस तरीके से, जैसे कि आप देख सकते हैं मेन माइक्रोफोन अपना यहाँ पे है। तो इसके ऊपर जैसे ही आप फोम लगा देंगे तो जो वॉइस है वो आपकी और क्लियर जो है वो आ जाने वाली है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगता है इसके ऊपर ये फोम लगाने के बाद। उसके बाद में आपका जो यहाँ पे क्लिप दी हुई है आप उसको सिंपल अटैच्ड कर दीजिए अपने माइक्रोफोन से। तो सिंपली आप जैसे इससे अटैच करेंगे तो बाकी आप कहीं भी उसको होल्ड कर सकते हैं, क्लिप लगा सकते हैं कहीं पे भी। तो जैसे ही यहाँ पे मैं इसको आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से आप लगाते हैं, तो सिंपल आपको लगा देना है इसको आपको सिंपली इसमें फंसा देना है। तो ये कुछ इस तरीके से लग जाएगा, आप इसको कहीं भी अपने कॉलर या जहाँ पे भी आप लगाना चाहते हैं वो आप लगा सकते हैं। और जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ पे जैसे ही आप इसको रोल करके ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन जो है वो देखने को मिलता है सामने की तरफ, जिसके अंदर यहाँ पे आपको बैटरी जो है वो इसकी डालनी होती है। तो जैसे ही आप इसकी बैटरी इसमें डाल देंगे तो ये एक्टिवेट हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप फिर आराम से बढ़िया चला सकते हैं ये माइक्रोफोन। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने इसकी बैटरी जो है वो डाल दी इसमें, और सिंपली इसको मैं बंद कर देता हूँ। अब जैसे ही मैंने इसमें डाला, अब दोस्तों यहाँ पे मैं इसको बंद करता हूँ। बंद करने के बाद अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ उससे बगैर, और यहाँ पे दोस्तों कुछ और फीचर मैं बता देना चाहता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दो ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, एक कैमरा और एक ऑफ स्मार्टफोन। यानी अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हैं तो सिंपली बटन को ऊपर कर दिया, और अगर फ़ोन से यूज़ कर रहे हैं तो नीचे कर दिए। तो ये बहुत ही अच्छा फीचर यहाँ पे लगा कि दोनों चीज़ों में आप यहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। बाकी आपके पास वायर जो है बहुत लंबी मिल जाती है, एक और एक फ़ायदा जो है आपका इसमें देखने को मिलता है, जो कि आप जो हर किसी को लंबी वायर चाहिए होती है, तो बाकी ये वायर वगैरह जो है वो आपको देखने को मिल जाती है। तो सिंपली मैं यहाँ पे ऑडियो क्वालिटी जो है वो मैं आपको सुनाता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ऑडियो क्वालिटी जो है वो कैसी लगी। तो दोस्तों, यहाँ पे ये जो आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है वो मेरे फ़ोन के माइक्रोफोन से आवाज़ जो है वो आप सुन रहे हैं। तो नीचे कमेंट करके बताना कि आपको फ़ोन की आवाज़ ज़्यादा सही लगी या फिर अपने जो बोया का माइक है उससे ज़्यादा सही लगी। तो अभी मैं यहाँ पे स्विच करने वाला हूँ बोया के माइक पे, तो फटाफट से मैं स्विच करता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे अभी जो आप आवाज़ सुन रहे हैं ये आपको बोया के माइक से आ रही है। तो आप नीचे कमेंट करके बताना है कि आपको कुछ डिफरेंस इसमें पता चला, या फिर किसकी वॉइस ज़्यादा क्लियर आ रही है फ़ोन से या फ़ोन के माइक से, या फिर आपको बोया के माइक से आवाज़ क्लियर आई, तो नीचे कमेंट करके ज़रूर से बता देना।
तो दोस्तों बस फिलहाल की वीडियो में इतना ही, देख लिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई भी सुझाव नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से सब्सक्राइब कर देना, जो बेल आइकन है उसको भी एनेबल कर देना, जो वीडियो है उसको जरूर से लाइक करना। दोस्तों मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।